गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर वन स्टार्ट करने के पहले, वैसे तो हम पिछले वीडियोस में लेसन नंबर वन स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बट उसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में समझाना चाहता हूँ। आइए, जो नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर। दीज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम वन। वे सारे नंबर, ऑल नंबर, ऐसे सारे नंबर्स जो वन से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ऑल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम वन, ऐसे सारे नंबर, दीज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम वन, ऐसे सारे नंबर जो वन से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन होल नंबर, दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो। अब आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर और होल नंबर इसमें क्या फ़र्क है? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ज़ीरो इंक्लूड करके वो होल नंबर बन जाते हैं और वन से आप इसको नेचुरल नंबर कहोगे। यानी आप ये बोल सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ओके, इस पर ध्यान दे। उसके बाद आता है इंटीजियर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके इनवर्स मतलब उनका नेगेटिव वर्जन इंटीजियर्स माना जाता है, जैसे 1, -1, 2, -2, 3, -3। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। व्हाट डू मीन बाय पी बाई क्यू? पी बाई क्यू मीन्स न्यूमिरेटर पाउंड डिनोमिनेटर। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, न्यूमिरेटर पाउंड डिनोमिनेटर। जैसे एक्सप्लेन कैसे करेगी? न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपने 8th क्लास में इसके बारे में ध्यान दिया है, 3/2 न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, 3/6 न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, 2/9 न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, ऑल दिस नंबर्स आर रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, नाउ इरेशनल नंबर, दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वे सारे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एग्जाम्पल √3, √13, √2, पाई, ये सब इरेशनल नंबर है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों से पूछा है, देखिए पिछले 2-4 मिनट्स में मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है उसका यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट वर्जन आपके सामने आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द पी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? तो आपका आंसर आएगा, जैसे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, यस डेफिनेटली ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, बट ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, लेकिन ज़ीरो एक रैशनल नंबर भी है। Why? Let's explain. Because we can write zero in the form of p by q. हम ज़ीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? Let's see. 0/1, 0/2, 0/3, 0/5. ऐसा हम लिख सकते हैं. Then zero is the rational number. Okay? Now next question. Find 6th rational number between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में क्या आता है? कुछ नहीं आता है, लेकिन बट देयर आर मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, इनफाइनेट, बहुत सारे रैशनल नंबर 2 नंबर्स के बीच, बहुत सारे रैशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे फाइंड आउट करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 1/2, 1/4। इसी प्रकार एज इट इज़ हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आप लोगों ने 8th क्लास में चैप्टर 1 में ये क्वेश्चंस किए हैं, याद कीजिए।
अब मैं आपको समझा देता हूँ। 3 और 4 इसके बीच के आपको 6 रेस्टल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए हाउ मेनी रेस्टल नंबर्स, आपको कितने रेस्टल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने फाइंड आउट करने हैं, 6। कितने फाइंड आउट करने हैं, 6। तो सबसे पहला एक काम कीजिए, आप जितने रेस्टल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, आपको 6 रेस्टल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें एक 1 ऐड कर दीजिए, यानी 1 उसमें आप बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7। तो 3 और 4 इसमें 7 by 7 का इंटू कर दीजिए, जैसे 3 by 1 और 4 by 1 है, आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 में 1 प्लस कर दीजिए हो गया 7, तो 3 में 7 by 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 में भी 7 by 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 by 1 और 4 by 1 मतलब 3 और 4 में 7 by 7 का इंटू कर दीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, देन 7 by 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 कहाँ से आया, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, उससे एक बढ़ाकर 7, तो ये हो जाएगा 21/7 और 28/7। आप 21/7 और 28/7 के बीच के सारे नंबर्स लिख लो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये आ गए आपके 6 रेशनल नंबर। और ये कुछ भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही रहे। नाउ लेट्स एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 भी इसी तरीके से शो आउट किया गया है, फाइंड 5 रेस्टल नंबर बिटवीन 1 और 2, आपको 1 और 2 के बीच के 5 रेस्टल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 1 और 2 इन दोनों के बीच के 5 रेस्टल नंबर चाहिए, तो 1 by 1 और 2 by 1 लिख दीजिए। 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 में 1 प्लस करो 6 आएगा, 6 by 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए और 6 by 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 by 6 और ये हो जाएगा 12 by 6। तो इस टाइप से 6 by 6 और 12 by 6 के बीच के जितने भी नंबर थे, 7 by 6, 8 by 6 और 9 by 6, 8 by 6, 10 by 6, 11 by 6, ये सारे रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। 1 और 2 के बीच के कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5, तो 5 में 1 प्लस करो 6 आएगा, 1 by 1 में भी 6 by 6 का मल्टीप्लाई करें और 2 by 1 में भी 6 by 6 का मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6 by 6, ये हो जाएगा 12 by 6, तो 6 by 6 और 12 by 6 के बीच में 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 और 11 by 6, ये आप लोगों के रेशनल नंबर आ गए। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 by 5 and 4 by 5। अब आपको रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 by 5 और 4 by 5 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, देन ये और आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी रैशनल नंबर है, 3 by 5 और 4 by 5 ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले जो हमने किया रैशनल नंबर्स नहीं थे, बट ये रैशनल नंबर्स हैं, इससे पहले नॉर्मल नेचुरल नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो अपॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप एक बड़ा डिजिट लेके चलिए, इससे आप कुछ भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 by 5 में 10 by 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 by 5 में भी 10 by 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 by 50, ये हो जाएगा 40 by 50, और 30 और 40 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, एटलीस्ट 9 नंबर जो भी आएंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, एज इट इज़ 39/50 तक ही चले गए, रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो रही है विद एग्जांपल। एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? मैंने आपको अभी समझाया इसी वीडियो में कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा यस। इस वीडियो की शुरुआत में यहाँ पे समझाया गया था। उसके बाद एवरी इंटीजियस इज अ होल नंबर, इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि इंटीजियस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जबकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर कंटिन्यूटली चलते चलते और उसमें नेगेटिव नहीं आता, इसलिए इंटीजियस होल नंबर्स नहीं हो सकते। इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर,
होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं और रेस्टल नंबर अपॉन में आते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए इसका आंसर भी नो होगा, इसका आंसर भी नो होगा क्योंकि रेस्टल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और होल नंबर सिंगल डिजिट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका आंसर भी नो आएगा। अपनी बुक से